मेरे गाड़ी को हिट बैठ गई और मैं आई जस्ट फेल डाउन, तो मैं गाड़ी के अंदर फंस गया था। इसको भी हम लोगों ने ठीक किया है। वेट करो, 3 मंथ में बंदा पूरा तगड़ा तैयार होने वाला है। आफ्टर वर्कआउट में आपको बॉडी के थोड़े से सिनेमैटिक्स दिखा दूंगा, तो लेट्स चेक इट आउट। माय गैंग, व्हाट्स अप, आई होप सो कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। फटे कान से लेके फटे पैर तक सारी चीज़ें हो गई है, बिकॉज कल हम लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है और यहाँ पर मुझे 3 स्टिचेस आए हैं और मैं आपको पैर नहीं दिखा सकता क्योंकि सेंसिटिव ग्राफिक्स का टैग आ सकता है इस पर। रास्ते के साइड में एक इनोवा खड़ा था और मेरी 30-40 की एवरेज स्पीड थी, मैं लो स्पीड के अंदर था और उसने अचानक से इनोवा का दरवाज़ा खोल दिया, दैट्स व्हाई मेरी गाड़ी को हिट बैठ गई और मैं आई जस्ट फेल डाउन, तो मैं गाड़ी के अंदर फंस गया था। तो ज़ोर से एक डैश बैठने की वजह से मैं उसके अंदर अटक गया। सो वो चीज़ें हो गई, लेकिन हम लोग वर्कआउट रुकाएंगे नहीं, तो पहले वर्कआउट करते हैं देन पेट पूजा भी करते हैं। चलो, यहाँ पर आके ऐसे सामने नज़ारे को देखते देखते ये चीज़ें करने का कोई मज़ा ही कुछ अलग है। जैसे तैसे करके आई एम रेडी और मैं जा रहा हूँ शूट करने के लिए, बिकॉज मेरे को 3 मंथ्स का टारगेट है, वो मुझे कैसे भी करके कंप्लीट करना ही है, दैट्स वाई मैं जा रहा हूँ जिम पर। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ होता है, बट बॉडी को स्ट्रेच मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है बॉडी की। वैसे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जेसी को काफ़ी ज़्यादा लगी है, यहाँ पर भी लगी है, यहाँ पर भी लगी है। एक्चुअली ये वाला जो था तो वो टेढ़ा हो गया था पूरा, और इसको भी हम लोगों ने ठीक किया है, यहाँ पर क्रैश गया है बहुत बड़ा। जेसी, सो वेलकम बैक टू द जिम। सर को बोला था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सर ने मेरे को ये नहीं पूछा कि नहीं कितना लगा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं, डायरेक्टली पूछा कि हाथ कैसे। मैंने बोला ठीक है कि ना, हाथ सलामत है तो तू जिम पर आ जा, ऐसे मेरे को बोले तो मैं जिम पर आ चुका हूँ। तो सर, आज का शेड्यूल हम लोगों का क्या होने वाला है? आज तो इंजरी देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्कआउट तो हमें स्टॉप नहीं करना, साहिल भाई ने जो मुझे टारगेट दिया है और मेरा भी टारगेट है। बहुत बड़ी इंजरी रहती तो हम वर्कआउट थोड़े दिन स्टॉप भी कर सकते थे, और अभी नहीं स्टॉप करेंगे, आज हम लाइट वेट वर्कआउट करेंगे और ब्रीदिंग भी बहुत नॉर्मल रखेंगे। कि इसका रीज़न क्या होगा कि जो हमारा ईयर है, जो कान है, उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, और वर्कआउट का भी हम आज वेट ट्रेनिंग नहीं ज़्यादा करेंगे, हम रोप पे करेंगे कि सिर्फ मसल ही फोकस हो जाए, और जो ऊपर के ऑर्गन्स है, अभी उसके चेस्ट को भी थोड़ा सा पेन हो गया है, पैर को भी लगाया और हेयर को भी लगाया, वो उस पर लोड नहीं आना चाहिए, ऐसा हम वर्कआउट करेंगे। डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्कआउट करते हैं और देन सिनेमैटिक्स आप लोग एंजॉय करो। चलो, आज का वर्कआउट देख के थोड़ा तकलीफ भी हो रही थी उसको, पर मुझे बोल रहा था नहीं सर मुझे करना है, उसमें भी मैं थोड़ा सा लाइट वेट वर्कआउट से उसको ट्रेन किया है। अभी फेस देख के, उसका वर्कआउट देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज़िद्दी है, बंदा बहुत ज़िद्दी है, मुझे लगता है टाइम पास कर रहा है, उसे करना है सिर्फ बॉडी,
अपन बहुत ही मेहनत कर रहा है, इतनी बड़ी इंजरी होने के बाद भी मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। और ये साहिल भाई में अभी मुझे दिख रहा है, तो स्टे ट्यून गाइस, वेट करो, 3 मंथ में बंदा पूरा तगड़ा तैयार होने वाला है। और आप भी देखो, और आपको उन्होंने जो बोला है कि 3 मंथ में जो करेगा, आपको बहुत प्यार करता है जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर है उनको, सो आपके लिए कर रहा है। तो दबा के लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो। आफ्टर वर्कआउट में आपको बॉडी के थोड़े से सिनेमैटिक्स दिखा दूंगा, तो लेट्स चेक इट अप। आई होप कि ये वीडियो के साथ साथ मेरे बॉडी के चेंजेस भी आपको ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। इफ यू गाइस सच में आपको अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब टू चैनल, रिंग द बेल आइकॉन एंड सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करना। विद दैट सेड, मिल जाएगा जैसी एक दस ब्लॉग के साथ में, विच शेयर कैन सो सून। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।